नमस्कार, मैं आकांक्षा सक्सेना। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वो कौन हैं जो 9 महीने सारे दर्द और कष्ट झेलने के बाद भी आपके सफल, सुरक्षित और स्वस्थ जन्म में अपने जीवन को परिपूर्ण मानती हैं? वो कौन हैं जो आपके लिए दुआ करती हैं? वो कौन है जो रात भर केवल इसलिए जागती हैं ताकि आप अच्छे से सो सकें? वो कौन है जो जीवन की हर चुनौती में कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चलती हैं? वो कौन है जो ईश्वर के सामने हाथ फैलाकर केवल आपके अच्छे स्वास्थ्य, आपके अच्छे काम, आपके व्यापार, आपके सफल जीवन के लिए कामना और मनोकामना करती है? वो कौन है जो आपकी सफलता के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए और आपके स्वास्थ्य के लिए कभी वट की पूजा तो कभी छठ की पूजा तो कभी करवा चौथ जैसे व्रत रखती हैं? वो कौन है जो आपके लिए सबसे बड़ा इमोशनल सपोर्ट है? वो कौन है जो आपसे तो झगड़ा करती हैं लेकिन कोई आपकी उंगली उठाए, आपको परेशान करे, आपको नाराज़ करे तो कभी दुर्गा तो कभी काली बन जाती हैं? वो कौन है जो आपके हर पारिवारिक दायित्व को बखूबी निभाते हुए अपने प्रोफेशन में भी एक अलग छाप छोड़ जाती हैं? वो कौन है जो रातों में लंबी कहानियाँ केवल आपको इसलिए सुनाती हैं ताकि आप इस कठिन जीवन को सरलता से अनुभव के आधार पर पार कर जाएं? तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आज का वीडियो समर्पित है उन लाखों करोड़ों महिलाओं के लिए जो किसी की बीवी तो किसी की नानी तो किसी की चाची, किसी की प्रेमिका तो किसी की मेंटोर, किसी की देवरानी, किसी की भाभी, किसी की माँ, किसी की सहेली, किसी की संगी या किसी का बहुत बड़ा इमोशनल सपोर्ट और जीवन का आधार है। तो आप देखिए, एक वक्त में हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक औरत कभी प्रोफेशन में किसी का बॉस है तो घर में किसी की माँ है, किसी की भाभी है तो किसी की दादी है, किसी की एक अच्छी मेंटोर है तो किसी के लिए एक काउंसलर है, किसी के लिए एक टीचर है तो किसी के लिए इंस्पिरेशन है। तो जब ये एक औरत एक वक्त में एक से ज़्यादा भूमिकाओं को निभाते हुए कई लोगों के जीवन का आधार बनती है, कई लोगों के जीवन को सुरक्षित, सफल और स्वस्थ बनाती है, तो क्यों इस एक औरत की सुरक्षा की जिम्मेदारी, सफलता की जिम्मेदारी और इसके कष्टों के निवारण की जिम्मेदारी केवल एक भाई की कलाई पर बांध दी जाए? क्यों ये हर उस व्यक्ति का दायित्व नहीं होना चाहिए जो इसकी ज़िंदगी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड है कि इस औरत की ज़िंदगी को सफल, सुरक्षित और सम्माननीय बनाने में ये अपना योगदान दे? ये कह के मैं कतई भी इस पावन पर्व के खिलाफ नहीं हूँ जो रक्षाबंधन के फॉर्म में मैं और आप मनाते हैं। ये कहकर मैं केवल आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि समाज के हर उस व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है जो एक औरत से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूशन लेता है अपनी ज़िंदगी को सफल बनाने में, सुरक्षित बनाने में और ख़ुद को सफल बनाने में। तो आप देखिए, क्या ये हर उस माँ का फ़र्ज नहीं है, उसका दायित्व नहीं है कि वो अपनी कोख में पल रही बेटी को जन्म लेने का अधिकार दे? क्या ये हर माँ बाप का अधिकार नहीं है कि वो अपनी बेटी को ये अधिकार दे कि वो अपने हिसाब से अपने प्रोफेशन को चूज़ करे, अपनी पढ़ाई को चूज़ करे, अपने व्यापार को चूज़ करे और अपने वर्क को चूज़ करे, जैसा कि हम लड़कों को देते हैं? क्या ये ज़रूरी नहीं है घर के बड़ों के लिए कि वो अपनी बेटी और बहुओं को भी वही स्वतंत्रता दें जो वो अपने बेटों को देते हैं? क्या आपके ऑफिस में काम कर रहे आपके बॉस, आपके अधिकारी और आपके कलीग की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो आपके प्रोफेशन में आपको नीचा ना दिखाएं? क्या ये हर उस व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है जो औरतों के नाम पर, बीवियों के नाम पर छोटे सस्ते कंटेंट को लिखकर जोक्स के फॉर्म में सोशल मीडिया पर बताते हैं? क्या ये हर उस व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है जो रोड पर चलती औरतें जब अगर कार ड्राइव करें तो उनको ये महसूस कराते हैं कि देखो औरत ड्राइव कर रही है? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि हमारी छोटी छोटी बातें कई बार बहुत बड़े मैसेज छोड़ जाती हैं। तो वो क्या करें जो मदद करे एक औरत को सम्मान फील कराने में, उसको रिस्पेक्टेड फील कराने में, वैल्यू फील कराने में, ताकि वो हर उस व्यक्ति जो उससे जुड़ा हुआ है उसके जीवन में एक सफलता, एक सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेके आ सके? क्योंकि देखिए, एक औरत कहीं माँ है तो कहीं बहन है, कहीं चाची है तो कहीं नानी है। आपने क्या खाया, आप कब सोए, आप कब आएंगे, आपकी मीटिंग कैसी गई, आप ऑफिस में कैसे रहे, बच्चा टाइम पे ऑफिस चला जाए इसके लिए वो सुबह जल्दी जाग जाती हैं, आप अपनी मीटिंग में टाइम से पहुँच जाएँ इसके लिए वो हर तैयारी करके रखती हैं, अपने ऑफिस में बैठ के भी उनको इस चीज़ की चिंता होती है कि क्रश से बच्चा लिया होगा या नहीं लिया होगा, बच्चे ने खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा,
आप अपने ऑफिस से कहीं जल्दी ना आ जाएं, इससे पहले वो अपने घर पहुंच जाएं, आप जब आएं तो आपको गर्मा गर्म चाय हाथ में मिले, आपकी नींद पूरी हो ताकि आपका प्रोफेशन इम्पैक्ट ना हो, इसके लिए वो खुद जाग जाती हैं। तो ऐसी तमामों और हज़ारों चीज़ें जो एक औरत से रिलेट करती हैं उन हज़ारों लोगों से जो उससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अटैच होते हैं। तो वो क्या करें जो आपको मदद करे, हमें मदद करे एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट करने में जिसमें हर औरत अपना बेस्ट पोटेंशियल डिलीवर कर सके, हर औरत सम्मान महसूस कर सके, हर औरत अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हुए समाज को बेस्ट लेवल पे कंट्रीब्यूट कर सके। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एक्सेप्ट करें, रिकग्नाइज करें और मोटिवेट करें। तो हर वो औरत जो आपके जीवन में एक भूमिका निभा रही है उसको बिल्कुल ये बताने में देर ना लगाएं कि वो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। वो बिल्कुल नहीं चाहती आप घर का काम करें, लेकिन जब वो घर का काम करें तो आप उसका सम्मान करें। बस उनसे इतना कह दीजिए कि तुम बहुत काम करती हो, उनकी थकान उसी में मिट जाती है। जब वो आपके लिए खाना बनाए तो हो सकता है खाना कभी थोड़ा अच्छा बने, ये आपकी जिम्मेदारी है उनको बताएं कि आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। उनको एक्सेप्ट करें, उनको रिकग्नाइज करें। अगर वो आपसे थोड़ा काबिल ज़्यादा हैं तो बिल्कुल ना चूकें ये बताने में कि आप काबिल हैं, मैं आपके काम की कद्र करता हूँ, आप जो करती हैं वो बहुत अच्छा करती हैं। सच मानिए, ये एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट करेगा जिसमें लोग लोगों का सम्मान उनके जेंडर के लिए नहीं बल्कि उनके काम के लिए करेंगे, राइट? अगली बार जब आप रोड पे चलें तो प्लीज़ किसी औरत को ये महसूस ना कराएं क्योंकि वो औरत है इसलिए उसने ब्रेक देर से लगाया, क्योंकि वो औरत है इसलिए उसने इंडिकेटर गलत टाइम पे दिया, क्योंकि वो एक औरत है इसलिए एक्सीडेंट हो गया। ये किसी के साथ भी हो सकता है। इट इज़ ऑल अबाउट हाउ डिड यू प्रैक्टिस, राइट? तो आई होप दिस इज़ गोइंग टू हेल्प ऑल ऑफ अस। द ओनली इंटेंशन टू क्रिएट दिस वीडियो टू क्रिएट अ सोसाइटी वेयर इन एक औरत अपने फुल पोटेंशियल को यूटिलाइज कर सके, जब वो घर पे हो तो वो अपना पूरा पोटेंशियल अपने घर वालों के सम्मान, उनकी प्रगति, उनकी सफलता में कंट्रीब्यूट कर सके, और जब वो अपने प्रोफेशन में हो तो वहाँ पर बेस्ट कंट्रीब्यूशन दे सके। जब एक औरत अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कर रही होती है तो सच मानिए वो बहुत स्ट्रगल कर रही होती है। हर वो औरत जो सफल है, सुरक्षित है और अपने परिवार के साथ है तो सच मानिए उस औरत ने लाखों कॉम्प्रोमाइज़ किए होंगे, आपसे ज़्यादा कम नींद ली होगी, कई रातें जागी होंगी, कई बार वो मेहनत की होगी जो शायद सफलता के फॉर्म में आप तक नहीं पहुंची होगी। जब कभी एक औरत सफल होती है, अपने नॉर्मल पोटेंशियल से ऊपर पहुंचती है तो समाज उसको नीचे खींचने में कोई कमी नहीं छोड़ता, कभी उसके मातृत्व पे क्वेश्चन करता है तो कभी उसके चरित्र को एक आधार बना दिया जाता है उसे ये समझाने के लिए दैट यू आर नॉट मेंट फॉर दिस। तो आई बिलीव आप इन छोटे छोटे मुद्दों को समझेंगे जो बहुत मैटर करते हैं एक ऐसी सोसाइटी कॉन्ट्रीब्यूट करने में जहाँ हम केवल काम के लिए काम करें, हमारा जेंडर, हमारा औरत या आदमी होना हमारे काम के बीच में ना आए। तो मैं ऐसी आशा करती हूँ कि अगली बार किसी भी औरत पे कोई भी छोटा कमेंट करने से पहले आप सोचेंगे, किसी भी औरत पे बिना कुछ जाने हुए उसके चरित्र पर कोई भी कमेंट करने से पहले आप सोचेंगे, क्योंकि हो सकता है वो औरत डायरेक्टली आपसे कहीं रिलेट ना करती हो लेकिन ये औरत किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी तो किसी की बीवी हो सकती है। छोटे सस्ते कमेंट लिखने, बोलने, पढ़ने और पास करने से पहले ये सोचें कि क्या आपको इसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी पर कोई श्योरिटी है या नहीं है। केवल एंटरटेनमेंट के लिए किसी के कैरेक्टर को बिल्कुल भी खिलवाड़ मत करिए। अगर कोई अपने प्रोफेशन में काबिल है तो हो सकता है आपका इतना बड़ा दिल ना हो कि आप उसकी काबिलियत को एक्सेप्ट कर सकें, कम से कम रिकग्नाइज तो करें। अगर आप किसी को बढ़ने में मदद नहीं कर सकते तो प्लीज़ उसको इस लेवल पे ना खींचें कि उसका जीवन जीना दुश्वार हो जाए। ये मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि मैं अपने प्रोफेशन में, अपने काउंसलिंग सेशन में ऐसी लाखों महिलाओं से, ऐसी हज़ारों महिलाओं से रूबरू होती हूँ जिन्होंने लाइफ में स्ट्रगल किया है अपने परिवार और व्यवसाय को बैलेंस करने में। कई बार परिवार एक चैलेंज बन जाता है तो कभी प्रोफेशन एक चैलेंज बन जाता है, कभी औरत किसी आदमी से ज़्यादा बात कर लेती है तो वो उसके कैरेक्टर पे क्वेश्चन बन जाता है, कभी वो किसी के साथ बैठने से मना कर दे, खड़े होने से मना कर दे तो उसको एरोगेंट समझा जाता है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो इंसान के जेंडर होने के साथ साथ उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी इमेज और उसकी सेल्फ अवेयरनेस पे बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क छोड़ती है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट एंड यू आर रिलेटिंग वॉट आई एम ट्राइंग टू से। तो मैं ऐसी आशा करती हूँ कि हम हर वो व्यक्ति जो इस समाज में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी औरत से जुड़ा हुआ है उसका सम्मान करें, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लें और इतनी अपनी एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लें उसका सम्मान करने के लिए
ताकि हमें ये रक्षाबंधन और वुमेन एम्पावरमेंट जैसे डे को सेलिब्रेट करने के लिए दिन निश्चित ना करना पड़े, हर दिन एक एंजॉयमेंट का दिन हो जाए, हर दिन हर आदमी हर औरत सेम लेवल पे कंट्रीब्यूट कर पाए बिना किसी जेंडर बायस के। आई होप दिस विल हेल्प यू मी एंड द एंटायर सोसाइटी टू क्रिएट अ सोसाइटी वेयर इन वी कैन कंट्रीब्यूट एट आवर बेस्ट पोटेंशियल विदाउट एनी जेंडर बायस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए कंटेंट उनका वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।